ये मेरे ऑफिस के गेट के सामने कौन सो रहा है? अंदर कैसे जाऊंगी मैं? राजू! यस मैडम। ऑफिस के गेट के सामने ये बूढ़ी औरत सो रही है, जिसकी वजह से मेरे ऑफिस की लुक खराब हो रही है। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? मैडम मैं थोड़ी देर पहले सफाई करके गया था, तब यहाँ पे कोई भी नहीं था, अब पता नहीं कहाँ से आ गई है। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हटाओ ना इसे यहाँ से। जी मैडम। अरे अम्मा उठो, अरे दफ्तर है, कोई धर्मशाला नहीं, उठ जाओ, उठो अम्मा, अरे अम्मा उठ जाओ ना। पानी पानी, ठीक है ठीक है, एक काम करो, जाके इनके लिए पीने का पानी लेके आओ अंदर से। जी मैडम। अम्मा ये लो पानी। एक बात बताओ, अपने घर का रास्ता भूल गए थे आप तो यहाँ पे आके सो गए? बेटा माँ हूँ, एक बदकिस्मत माँ जिसके बहू और बेटा ने उसे ये कहकर घर से निकाल दिया कि उसकी सोच पुरानी है और अब वो उनकी सेवा नहीं कर सकते। आजकल की बहुओं की ऐसी सोच हो गई है कि सास ससुर की सेवा करना बोझ समझती हैं। तो आप अपने किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ। नहीं नहीं बेटा, अगर किसी रिश्तेदार के घर जाती हूँ तो बेटे की बेइज्जती होती है और बहू ने कहा है कि किसी रिश्तेदार के घर भी मत जाना। बेटा मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मैंने भूखी थी इसीलिए बेहोश हो गई, कुछ खाने को दे सकती हो बेटा? मेरा घर नहीं, पास में है, आप मेरे साथ चलो। ये लीजिए आंटी जी। वैसे आंटी जी, आप अपने बेटे से अपना हक वापस ले सकती हैं? कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, अब इसे इत्तफाक समझिए या भगवान की माया कि आप मेरे ऑफिस के सामने अचानक से आ गई। मैं पेशे से वकील हूँ, आप चाहें तो अपने बेटे के खिलाफ केस फाइल कर सकती है और उससे अपना हक वापस ले सकती है। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई भी बेटा अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है और माँ बाप उस अवस्था में नहीं है कि वो कमा सके, तो वो अपने बेटे के खिलाफ राइट टू मेंटेनेंस का केस कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत बेटे को अपने माँ बाप को मंथली मेंटेनेंस देनी होगी और अगर वो नहीं देता है तो उसे अपने माँ बाप को अपने घर रखना होगा। बेटा अगर अपने ही लड़के के खिलाफ केस करती हूँ तो लोग क्या कहेंगे? क्या लोग आपका ख्याल रखने के लिए आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना, तो क्यों सोच रही हैं आप लोगों के बारे में? ये आपका हक है, आपको उसके लिए लड़ना चाहिए। आप बस मुझे ये बताइए कि आपका बेटा रहता कहाँ, हम चल के उससे बात करते हैं। अगर वो मान जाता है तो उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती, और अगर वो नहीं मानता तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको उसके खिलाफ केस करना चाहिए। जी, आप कौन? आप मुझे नहीं जानते होगे, लेकिन इन्हें तो पहचानते होगे ना? आप अपनी माँ को ना ऐसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकता? मेरी मर्जी, मेरा घर, जिसको चाहे रखूँ ना रखूँ, और आप होती कौन हो मुझे ये बताने वाली? आपकी माँ की वकील, और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ना कानूनी भाषा में ही बात करनी पड़ेगी, और अगर आप अपनी माँ को वापस अपने घर में नहीं रखेंगे तो मजबूरन मुझे आपके खिलाफ अपनी माँ की तरफ से राइट टू मेंटेनेंस का केस फाइल करना पड़ेगा। पहले मेरी माँ से तो पूछ लो कि वो अपने बेटे पे केस कर भी सकती है या नहीं। करूंगी, अपने हक को पाने के लिए जरूर करूंगी। एक माँ बाप इतनी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, लेकिन वही बच्चे जब पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, उन्हें बहुत समझने लगते हैं। बेटा मैं केस करने के लिए तैयार हूँ। सुन लिया आपने? आई विल सी यू इन कोर्ट।